हेलो सम्मानित मित्रों, एस्ट्रो न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं जगदीश सोनी, आप सभी का ज्योतिष मित्र। आज मैंने आपको इस वीडियो में सिंह राशि के बारे में 2022 का राशिफल बताना है। आपको ये बताना है कि 2022 यानी कि न्यू ईयर में सिंह राशि वालों पर क्या क्या अच्छा और क्या क्या बुरा होगा, और सभी ग्रह स्थिति 2022 की, पूरे 2022 की ग्रह स्थिति सिंह राशि वालों के लिए क्या फायदा या क्या नुकसान कर सकती है। तो जनवरी महीने की बात करता हूं दोस्तों। जनवरी के महीने में 14 जनवरी तक सूर्य का भ्रमण, सिंह राशि के स्वामी सूर्य का भ्रमण पंचम भाव में रहेगा। पंचम घर का सूर्य काफी शुभ माना जाता है, संतान पक्ष के लिए अच्छा होता है, समाज में मान सम्मान मिलता है। और शनि का भ्रमण जो है वो सिक्स्थ हाउस में है और बृहस्पति का भ्रमण जो है वो सेवन्थ हाउस में है। तो 14 जनवरी के बाद सूर्य और शनि की युति होगी, सूर्य शनि एक साथ मिलेंगे, मकर राशि में आएंगे। तो छठे घर का सूर्य काफी शुभ रहता है, काफी अच्छा फल देता है। फाइनेंशियली ये स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी। 14 जनवरी से 14 फरवरी तक का समय काफ़ी ठीक रह सकता है। और फरवरी की बात करूं तो 14 फरवरी तक सूर्य छठे भाव में रहेगा। ये यहां भी आपको फाइनेंशियली काफ़ी फायदा हो सकता है, काफ़ी लाभ हो सकता है, लेकिन किसी भी प्रकार के विवाद में नहीं उलझना चाहिए। और सप्तम स्थान का जो बृहस्पति है, कुंभ का बृहस्पति है, वो थोड़ा सा रोजगार में अप डाउन की पोजीशन पैदा कर सकता है। अगला महीना है मार्च। इस महीने में 14 फरवरी से 14 मार्च तक सूर्य का भ्रमण जो है वो कुंभ राशि में रहेगा, यानी कि सप्तम स्थान पे रहेगा, बृहस्पति के साथ रहेगा। तो सूर्य बृहस्पति एक साथ रहने से वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी कड़वाहट पैदा हो सकती है। पति पत्नी में आपसी किसी बात को लेकर अनबन या तनाव बढ़ सकता है। तो संयम रखना चाहिए, वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, कंट्रोल रखना चाहिए। ज्यादा बोलने से नुकसान हो सकता है, परंतु समाज में मान सम्मान आपका बढ़ेगा, सामाजिक प्रभाव आपका बढ़ेगा। और अप्रैल की बात करूं तो अप्रैल का महीना, 14 अप्रैल तक सूर्य जो है वो मीन में रहेगा। मित्रों 14 मार्च से 14 अप्रैल तक सूर्य मीन में रहता है। तो मीन के बाद यानी कि अष्टम भाव में रहेगा। अष्टम भाव जो होता है वो थोड़ा सा परेशानी का कारण होता है। फर्स्ट हाउस का स्वामी, पहले घर का स्वामी जब आठवें भाव में हो, एट्थ हाउस में हो, तो ये संघर्ष की स्थिति की ओर इशारा करता है। इंडिकेशन ऐसा है कि संघर्ष रहेगा, संघर्ष हो सकता है। स्वास्थ्य के प्रति भी विशेष सावधानी रखनी चाहिए। परंतु 14 अप्रैल के बाद सूर्य भाग्य भाव में आ जाएगा, उच्च राशि में आ जाएगा। उच्च राशि का सूर्य काफी फायदा देगा, काफी लाभ देगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी। और नौकरी की इच्छा रखने वालों के लिए 14 अप्रैल से 14 अप्रैल टू 15 मई ये समय काफी अच्छा रह सकता है। संतान पक्ष को काफी फायदा होगा और किसी भी प्रकार के विवाद से दूरी बनाए रखें। अगला महीना है दोस्तों मई। इसमें सूर्य आपका 15 मई तक उच्च राशि में रहेगा। उच्च का सूर्य आपको काफी फायदा देगा। जो लोग राजनीति में हैं उनके लिए 15 मई तक का समय काफी अच्छा रह सकता है। उनको कोई मान सम्मान या कोई पद मिल सकता है। और स्वास्थ्य के प्रति इस महीने में भी विशेष सावधानी रखनी होगी। और अगला महीना जून का है। जून के महीने की बात करूं तो अप्रैल में 29 अप्रैल को शनि चेंज हो जाएगा। शनि जो है वो कुंभ राशि में प्रवेश करेगा, मकर से कुंभ में आएगा। दोस्तों 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक शनि कुंभ में रहेगा। कुंभ का शनि आपके सप्तम स्थान पर रहेगा। सप्तम भाव का शनि काफी शुभ माना जाता है, काफी अच्छा माना जाता है। तो रोजगार के लिए ये समय काफी ठीक रहेगा। 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक रोजगार के लिए ये समय काफी ठीक रहेगा। वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत मुश्किलें आ सकती हैं।
और अगस्त महीने की बात करूं तो अगस्त का महीना सूर्य राशि सिंह राशि वालों के लिए 15 अगस्त से 15 सितंबर का महीना काफ़ी शुभ माना जाता है, क्योंकि सूर्य फर्स्ट हाउस में रहता है, सिंह राशि में रहता है। तो सिंह राशि का स्वामी जब सिंह राशि में होगा तो निश्चित है कि आपको जरूर फायदा मिलेगा, समाज में बहुत मान सम्मान मिलेगा। जो लोग नौकरी चाहते हैं, सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी चाहते हैं, यदि उनका इंटरव्यू है, साक्षात्कार है, तो उनके लिए 15 अगस्त से 15 सितंबर का समय काफ़ी ठीक रहेगा। और अपनों से जो उपेक्षा है, उम्मीद कर रखी है, वह उम्मीद पर आपके अपने उस पर खरे उतर सकते हैं, यानी आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है, काफ़ी अच्छा परिणाम आपको अगस्त के महीने में मिलेगा। और सितंबर की बात करूं तो सितंबर का महीना भी आपके लिए अच्छा रह सकता है। 15 सितंबर तक सूर्य स्वय राशि रहेगा, उसके बाद फिर 15 सितंबर के बाद सूर्य का प्रवेश कन्या राशि में होगा, जो कि दूसरे घर में चला जाएगा। तो 15 सितंबर के बाद अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना चाहिए, वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, और घर में कोई कलह ना हो होने पाए, ऐसे प्रयास जरूर करने चाहिए। अक्टूबर की बात करूं तो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक सूर्य नीच राशि में रहता है, तीसरे घर में रहेगा, सिंह राशि के तीसरे भाव में रहेगा। तो नीच का सूर्य स्वास्थ्य के प्रति आपको नुकसान कर सकता है, हृदय रोग से बचना चाहिए, पिता से वैचारिक मतभेद रह सकते हैं, पिता से मिलने वाले धन में विलंब हो सकता है, और ससुराल पक्ष का यहाँ आपको ज़्यादा सहयोग नहीं मिलेगा। अगर आप ससुराल पक्ष से कोई अपेक्षा या उम्मीद रखते हैं तो फिलहाल वह उम्मीद या अपेक्षा पर आपके ससुराल पक्ष के लोग खरे नहीं उतर पाएंगे। और बृहस्पति की बात करूं तो बृहस्पति अप्रैल से दिसंबर तक बृहस्पति मीन राशि में रहेंगे, यानी कि सिंह राशि वालों के लिए अष्टम भाव में रहेंगे, 8th हाउस का स्वामी अष्टम भाव में रहे तो ये काफ़ी सफल माना जाता है, अच्छा ही कहा गया है। तो अचानक धन लाभ हो सकता है, जो जिन लोगों का पेट संबंधी रोग है, सिंह राशि के जिन व्यक्तियों को पेट से संबंधित मुश्किल है, वह मुश्किल आपकी 13 अप्रैल से शुरू होकर और पूरा दिसंबर यानी कि 2022 तक पूरे साल में वह पेट से संबंधित मुश्किल आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगी, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी अष्टम भाव में रहेगा, बृहस्पति स्वय राशि होगा, ये स्थिति आपके स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार कर सकती है। और अंतिम महीना है दिसंबर का, दिसंबर का महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। दिसंबर के महीने में जो कार्य आपने सोच रखे हैं वह काम आपके बनते जाएंगे, संतान पक्ष को काफ़ी फायदा हो सकता है, परंतु संतान पक्ष के लिए स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए, बच्चों का ध्यान रखने उनके स्वास्थ्य का ध्यान आपको जरूर रखना होगा, वो इसलिए कि स्वास्थ्य पर उनके लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से दिसंबर का महीना अच्छा नहीं है, उनको नुकसान हो सकता है। और व्यापारिक स्थिति में जो अप डाउन था, वह अप डाउन भी आपका अब धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और दिसंबर का महीना आपको लाभ देकर जाएगा, प्रॉफिट देकर जाएगा। तो मित्रों, ये था सूर्य की राशि सिंह राशि पर 2022 का राशि फल, क्या फल मिलेगा। अगर सूर्य अशुभ हो, राशि के अकॉर्डिंग आपको अशुभ प्रभाव मिल रहा है, सूर्य की पूजा करें, ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए, सुबह उठकर स्नान के बाद सूर्य को जल देना चाहिए।